हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। टीना किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ राजस्थानी गट्टे की सब्जी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही टेस्टी बनती है ये, आप प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें। गट्टे बनाने के लिए मैंने यहाँ एक कटोरी बेसन लिया है। बेसन में हम मसाले डालेंगे। साबुत धनिया एक चम्मच, एक छोटी चम्मच, इसे मैंने मोटा मोटा कूट लिया है। आप बेलन की सहायता से भी इसे कूट सकते हैं। अब इसमें डालेंगे हम अजवाइन। अजवाइन हम डालेंगे इसमें आधा छोटी चम्मच, थोड़ी कसूरी मेथी। इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा हो जाता है गट्टे में। आधा छोटी चम्मच धनिया पाउडर, हल्दी एक पिंच, ज्यादा नहीं डालना है, लाल मिर्ची पाउडर एक चौथाई चम्मच, नमक एक चौथाई से थोड़ा सा ज्यादा, आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। थोड़ा डालेंगे साबुत जीरा, थोड़ी सी डालेंगे हम हींग इसमें फ्लेवर के लिए। हल्का सा मीठा सोडा, बेकिंग सोडा, खाने का सोडा जो होता है वो डाल देंगे हल्का सा। मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं बेसन में। अब इसमें डालेंगे एक चम्मच ऑयल। ऑयल डालेंगे हम सरसों का, मस्टर्ड ऑयल डालेंगे। एक चम्मच भर के मैंने यहाँ सरसों का तेल डाला है। अब इसका डो रेडी करना है हमें। डो रेडी करने के लिए मैं यहाँ ले रही हूँ दही। इसमें थोड़ा ही दही लगता है, ज्यादा नहीं लगता है। आप इसे पानी से भी लगा सकते हैं, बट दही का स्वाद बहुत ही अच्छा आता है और सॉफ्ट भी बहुत अच्छे बनते हैं ये, इसलिए मैं दही ले रही हूँ। और इसे हाथ से एक डो रेडी कर लेंगे चपाती के जैसा, थोड़ा सा हार्ड करेंगे, बिल्कुल लूज नहीं करना है। ये देखिए डो हमने लगा लिया है, कितना अच्छा लग गया है। हल्का सा ऑयल लगा लें इसके ऊपर या घी लगा लें, कुछ भी। इसके हम गट्टे रेडी कर लेते हैं। मैं यहाँ दो हिस्से कर रही हूँ, इसके दो भागों में बांट लिए मैंने इसके। थोड़ा सा घी लेंगे, इसे पतला बेलेंगे, इस तरह से हम पतला कर लेंगे। जितना मोटा रखना है रखें आप, मैं यहाँ थोड़ा पतला कर रही हूँ। बॉईल होने के बाद ये फूल जाता है। ये देखिए इस तरह की बेल बना लेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ सभी बेल बना ली है। गट्टे को बॉईल करने के लिए मैंने यहाँ एक कढ़ाई में पानी लिया है। पानी को बॉईल कर लेंगे। इसमें डालेंगे हम एक चम्मच देसी घी। हमें इसमें एक चम्मच देसी घी डालना है। देसी घी डाल लिया है। इसी के साथ डालेंगे हम एक चम्मच भर के दही। पानी में डालना है हमें दही को, थोड़ा नमक। पानी को अच्छे से बॉईल कर लेंगे। सबको अच्छे से बॉईल कर लेना है हमें। ये देखिए पानी अच्छे से खोलने लगा है। अब इसमें हम गट्टे डाल देंगे। गट्टों को हम 8 से 10 मिनट के लिए बॉईल कर लेंगे, जब तक ये अच्छे से पक नहीं जाते। ये देखिए गट्टे हमारे कितने अच्छे फूल गए हैं और ऊपर आ गए हैं। इसे मैं 2 मिनट के लिए और बॉईल कर लेती हूँ। अभी 5-6 मिनट हो गए हैं। 7 से 8 मिनट में बहुत अच्छे से पक जाते हैं ये, 8-9 मिनट में।
ये देखिए पूरे 8 मिनट हो गए हैं मुझे, फूल के कितने मोटे मोटे हो गए हैं, ये बिल्कुल अच्छे से फूल गए हैं। इसे हम बाहर निकाल लेंगे पानी से और गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। ये पानी हमें फेंकना नहीं है, इसी पानी को हम सब्जी में डालेंगे। अगर फिर भी ज़्यादा हो जाता है पानी, फिर भी मत फेंके इसे, ठंडा होने के बाद आप इसे आटा लगा सकते हैं, चपाती बहुत अच्छी बनेगी। कढ़ाई में मैंने 1 बड़ा चम्मच ऑयल लिया है, इसमें हम तड़के में डालेंगे 1/4 चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच अजवाइन, थोड़े से दाने मेथी के सूखी दाने, 1/4 चम्मच सौंफ, 1/4 चम्मच राई, ये सब हम छौंक पे डाल देंगे। साथ में डालेंगे 1 पिंच हींग, इसे तिड़कने देंगे। 1 मीडियम साइज का प्याज डालेंगे। इसी के साथ डालेंगे हम लाल मिर्ची पाउडर ताकि कलर अच्छा आए, हल्दी पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर, अदरक और हरी मिर्ची का पेस्ट, एक टुकड़ा अदरक लिया है और एक हरी मिर्ची, दोनों को मैंने कूट लिया है, आप काट के भी डाल सकते हैं। सबको अच्छे से भून लेते हैं, प्याज को हम अच्छे से भूनने देते हैं। जब तक हमारा प्याज भून रहा है हम बेसन डाल लेते हैं। 2 छोटी चम्मच हमने यहाँ बेसन लिया है, बेसन में डालेंगे हम 2 छोटी चम्मच दही, दही खट्टा नहीं होना चाहिए। जो पानी हमने गट्टे बॉईल किए थे उस पानी से हम इसे मिक्स कर लेंगे, वो पानी डालेंगे। ये देखिए प्याज हमारा बहुत ही अच्छे से भुन गया है, इसमें हम बेसन का मिलाया हुआ पानी डालेंगे। देखिए बेसन को हमने अच्छे से इसमें मिक्स कर लिया है, इसमें डालेंगे 1 चम्मच कसूरी मेथी, 1/2 छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर। बेसन को हम अच्छे से पकने देंगे, 2-3 मिनट के लिए इसे हम अच्छे से पका लेते हैं। बेसन हमारा अच्छे से पक गया है, इसमें डालेंगे अब हम 1/2 कटोरी दूध। दूध से आप देखना इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा गट्टे का। दूध डालने के बाद भी हम ढक कर इसे पका लेंगे 2-3 मिनट के लिए। गट्टे हमारे ठंडे हो गए हैं, इसे हम काट लेते हैं। मैं यहाँ 1/2 इंच के टुकड़े में काट रही हूँ, आप 1 इंच भी काट सकते हैं, जितना बड़ा आप काटना चाहें काट सकते हैं। मैंने यहाँ ये साइज काटे हैं। ग्रेवी को चेक कर लेते हैं, देखिए बहुत ही अच्छे से बन रही है ग्रेवी। अब इसमें हम पानी डालेंगे, पानी हम गट्टे वाला ही डालेंगे, यहाँ प्रॉपर है बिल्कुल, ना कम है ना ज़्यादा है। अगर आपको कम लग रहा हो तो आप सादा पानी डाल सकते हैं। अब इसमें डालेंगे हम नमक। नमक डालने से पहले आप चेक कर ले, पहले हमने पानी में भी नमक डाला था इसलिए आप चेक करके डालें नमक को। इसमें डाल देंगे गट्टे ताकि मसाला इसके अंदर तक अच्छे से रंग जाए। गट्टों को डालने के बाद हम ढक कर इसे 5-6 मिनट के लिए अच्छे से पकने देंगे ताकि रस्सा अच्छे से गट्टों पे भी लिपट जाए।
अगर आपके पास दही अवेलेबल नहीं है तो आप टमाटर की प्यूरी भी डाल सकते हैं इसमें। थोड़ा धनिया पाउडर डाल देंगे और मिला लेंगे। ये देखिए कितने अच्छे गट्टे की सब्जी हमारी बनकर रेडी है। इसे मैं 2 मिनट के लिए और पका रही हूँ, अभी मैं ढक देती हूँ इसे। सब्जी को मैंने यहाँ एक बोल में निकाल लिया है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसमें। ऊपर से डालेंगे हम थोड़ी धनिया पत्ती इस पर। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कर लें न्यू मोर रेसिपीज के लिए। हम जल्द एक न्यू रेसिपी के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।